रंग से परमस देव जो सभी स्त्रियों के प्रति, रमणियों के प्रति जो मातृभाव का उल्लेख करते थे, तो उन्होंने वो गणेश जी की जो पौराणिक कथा सुनाते थे कि किस प्रकार ज्ञानियों के अधिपति अधिनायक श्री गणेश जी के हृदय में मातृभाव का पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हुई थी। तो कथा का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया, रामकृष्ण परमहंस देव ने गणेश जी के बारे में, किशोर अवस्था में एक दिन खेलते हुए गणेश जी ने एक बिल्ली को मारपीट कर घायल कर डाला। कुछ दिन बाद जब गणेश जी अपनी माता पार्वती के समीप देखे पहुंचे तो उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि उनकी माता जी के अंगों पर जगह जगह पर मार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने क्रोधित होकर व्यथित होकर माँ से पूछा कि आप ऐसे, इसका कारण पूछा तो माँ ने कहा कि तुमने मेरी यह दशा की है। तब अत्यंत व्यथित होकर गणेश जी ने आंखों में आंसू भरकर बोले कि मैंने तुम्हें कब मारा। तब जगन माता पार्वती जी ने उत्तर दिया कि बिल्ली समेत सभी समस्त सभी स्त्री मूर्तिधारी प्राणियों में मैं ही विचरण करती हूँ और वो सब मेरे अंश से हैं। तो गणेश जी ने इस माँ के इस कथन को इस श्रद्धापूर्वक हृदयंगम किया और फिर जगत को शिव और शक्ति से व्याप्त समझकर आजन्म ब्रह्मचारी रहे और सभी स्त्रियों में सभी उन्होंने माँ का ही दर्शन किया और इसलिए वो आजन्म ब्रह्मचारी रहे और ज्ञानियों में सर्व अग्रगण्य बने रहे। तो गणेश जी के इस मातृभाव का उल्लेख कर रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि मेरा भी स्त्री मातृ के प्रति यही भाव है, इसलिए विवाहिता पत्नी के अंदर भी जगदम्बा की माँ की मूर्ति का मैंने दर्शन करने पर मैंने उनकी पूजा व चरण वंदना की थी। तो ये युगावतार रामकृष्ण देव ने जन्म भर ये मातृभाव का अवलंबन किया और फिर उन्होंने स्वप्न में भी कभी भी किसी स्त्री को स्त्री भाव से नहीं देखा। जब उन्होंने रामकृष्ण देव ने तंत्र साधना की भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में, तो एक दिन उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी रात में कहीं से एक अति सुंदर स्त्री को बुला लाई तथा पूजन का आयोजन करने के बाद में उसे विवस्त्र करके, उसे विवस्त्र उतार कर उसे देवी के आसन पर बैठाया और फिर उन्होंने रामकृष्ण देव से कहा कि बाबा अब देवी भाव से इनका पूजन करो। पूजन समाप्त होने के बाद में ब्राह्मणी ने कहा, बाबा साक्षात जगत जननी के भाव से ज्ञान से इनकी गोद में बैठकर तन्मय होकर जाप करो। तब रामकृष्ण देव रोते हुए उन्होंने जगदम्बा माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि माँ अपने शरणागत बालक की आप एक ऐसी परीक्षा के ले रही हैं। फिर माँ का ध्यान करके उन्होंने जैसे ही उन स्त्री की गोद में बैठे जगत जननी के ध्यान में वो समाधिस्थ हो गए। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है ये शायद शास्त्रों में कहीं पर इस प्रकार का कोई और दूसरा उदाहरण नहीं देखा जाता कि इतनी जो कठोर परीक्षा थी कि ब्राह्मणी ने जो उनको एक विवस्त्र स्त्री के गोद में बैठा कर कहा कि इनके गोद में बैठकर जाप करो और जैसे ही वो गोद में बैठे रामकृष्ण देव एकदम समाधिस्थ हो गए जगन माता के ध्यान में। तो रामकृष्ण देव कहते थे कि जगन माता की 10 भुजा से लेकर इतनी देव मूर्तियों का उन्होंने दर्शन किया था कि जिसकी कोई गणना नहीं है। वो सभी मूर्तियां एकदम अपूर्व सौंदर्य वाली थी, परंतु वो कहते थे कि राजराजेश्वरी षोडशी की मूर्ति के दर्शन के साथ उन रूपों की तुलना नहीं हो सकती। कहते थे कि त्रिपुरा मूर्ति का सौंदर्य ऐसा अद्भुत था कि उनके शरीर से रूप और लावण्य जैसे जैसे सचमुच टपक रहा हो और चारों दिशाओं में फैल रहा हो। रामकृष्ण देव ये कहते थे कि माँ की कृपा से किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने में उन्हें 3 दिन से अधिक समय नहीं लगता था। वो फल को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हृदय से माँ जगदम्बा से हट करते थे, मांगते थे और 3 दिन में वो उनकी सभी साधनाएं में सफल हो जाते थे और इसलिए माँ की जो अभय वरदान देने वाली मूर्ति सदा उनके पास उपलब्ध रहती थी और जब भी वो प्रश्न करते थे तो माँ उत्तर देती थी। जब रामकृष्ण देव अपने को जगन माता की सखी रूप में देखकर चिंतन करके जब माँ के चामर लेकर उनका चामर जब से डुलाते थे तो तब वो स्त्री वेशभूषा धारण करके रानी राशमिनी के जो परिवार की जो बहुएं थी उनके साथ देवी का दर्शन करते थे, तब ये उनके ये स्त्री भाव की प्रबलता के कारण ये बात को भूल जाते थे कि वे स्वयं पुरुष हैं।
तो ऐसा वर्णन है कि मधुर भाव की साधना के समय रामकृष्ण देव ये रानी रासमणी के घर में स्त्री समाज में उठते बैठते थे, और अंतपुर में रहने वाली महिला भी वो जानती थी कि इनके में पुरुष स्त्री का जो भेदभाव जो नहीं है, और इनके पवित्र चरित्र से परिचित होने के कारण उनको देवता के समान देखती थी और उनको अपना ही समझती थी, और उनके सामने उनको कोई लज्जा या संकोच नहीं होता था। और इस समय स्त्रियों के बीच रहते रामकृष्ण देव को पहचानना, कभी कभी उनके अत्यंत नित्य जो नजदीक के जो आत्मीय लोग थे वो भी कठिन पहचान नहीं पाते थे, कभी कभी उस वेशभूषा में उनके भांजे हृदय भी उनको पहचान नहीं पाते थे। हृदय जिनके जो भांजे हृदय ने एक जो वर्णन करते थे कि प्रातः काल में जब रामचंद्र देव फूलों का चयन करते थे पूजा के लिए, तब ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात राधिका ही तन में होकर फूल चुन रही हैं अपने कृष्ण भगवान की पूजा के लिए। वो ये अपने जो प्रकृति भाव में जो इतने तन्मय रहते थे कि उनको पुरुष ज्ञान का कम पूरा लोप हो गया था, और उस पूजन उस साधना के दौरान उनको प्रतिमास स्त्री शरीर की तरह रक्तस्राव भी होता था। गोपियों ने जो स्त्री शरीर में जन्म लेकर प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त किया था, ये जानकर रामकृष्ण परमदेव अपने पुरुष शरीर को कृष्ण प्राप्ति में बाधक समझते थे, और उन्होंने ये भी कहा, वो ये कल्पना करते थे कि यदि भविष्य में मुझे फिर जन्म लेना पड़े तो किसी ब्राह्मण के घर बाल विधवा के रूप में जन्म लूंगा, और कृष्ण भगवान के सिवा किसी को पति नहीं समझूंगा, साधारण जीवन यापन करूंगा, कच्ची झोपड़ी में सब्जी लगाकर जीवन निर्वाह करूंगा, श्री कृष्ण के भजन गाऊंगा, गाय होगी जिसके दूध की वस्तु से श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा, और एकांत में बैठकर व्याकुलता के साथ उनके दर्शन के लिए रोता रहूंगा। तब कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर उपस्थित होकर उन वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, और दूसरों से इस प्रकार प्रतिदिन कृष्ण भगवान से उनका मिलन होता रहेगा। तो इस प्रकार उनकी जो इच्छा थी कि अगले जन्म में स्त्री रूप में स्त्री बाल विद्या के रूप में जन्म लेकर कृष्ण भगवान की आराधना करना। तो उनकी जो ये साधना थी उस दौरान रानी रासमणि और उनके दामाद मथुरा मोहन जी को ऐसा लगा कि रामकृष्ण परमदेव के अखंड ब्रह्मचर्य के कारण उनको ऐसा लगता था कि रामकृष्ण देव शायद पागल हो गए हैं, और इस कारण उनमें एकदम ये आध्यात्मिक व्याकुलता प्रकट हुई है भगवान के दर्शन के लिए। तो उनने ऐसा लगा उनको कि यदि ये ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो उनकी शारीरिक स्वस्थता वापस प्राप्त होगी और ये पागलपन चला जाएगा। तो ऐसा मानकर उनको एक कलकत्ता के एक मकान में ले जाया गया, और वहाँ पे वेश्याओं द्वारा उनको उनके कमरे में रखा गया। तब रामकृष्ण देव कहते थे कि उन नारियों में भी जगन माता का दर्शन प्राप्त कर वो माँ माँ कहते हुए समाधिस्थ हो गए। ये देखकर उनके बालक जैसे आचरण को देखकर मुग्ध होकर उन नारियों के हृदय में भी वात्सल्य भाव का संचार हुआ, और उनको ये अपराध भाव का भान हुआ कि उन्होंने ये ब्रह्मचर्य का भंग करने के निमित्त उन्होंने ये जो अपराध किया था। तो ये सोचकर उन्होंने रोते हुए उन महिलाओं ने उनके समीप क्षमा याचना की और फिर बारम्बार प्रणाम करके वो चली गई। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि एक ये इतनी सारी जो भगवान के अवतारों की जो कथा है उसमें शायद रामकृष्ण देव के अवतारों अवतार की कथाओं में ये जो ऐसे जो उदाहरण है वो शायद ही किसी अवतारों की कथाओं में पाए गए हों कि किस प्रकार भगवान जब हम स्वयं भक्त के रूप में आते हैं और भक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये जो कथाएं हैं ये बताते हैं किस प्रकार रामकृष्ण देव में जो मातृभाव का जो था, सभी में माँ का दर्शन करना, और इसी वजह से उन्होंने माँ शारदामणि की भी जो पूजन किया माता के स्वरूप देखकर। इसके बारे में और भी कथाएं वो फिर हम आगे देखेंगे। आज यहाँ पर ही विश्राम।